सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक जीवन को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक जीवन में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पतंजलि हरिताकी चूर्ण का। हरिताकी चूर्ण हरड, हर या हरडे के चूर्ण को बोला जाता है और आयुर्वेद में हरड को बहुत ही गुणकारी औषधि माना जाता है। आयुर्वेदा में हरट को माँ का दर्जा दिया गया है और बोला गया है कि कभी कभी माँ नाराज हो सकती है, पर पेट में गया हुआ हरट कभी नाराज नहीं होती और ये हमारे पेट के बहुत सारे रोग को दूर करके हमें लंबी उम्र देती है। यह हरिताकी या हरड चूर्ण पेट के बहुत सारे रोग दूर करने के साथ साथ यह हमारे शरीर के और भी बहुत सारे रोग को नाश करके हमें स्वस्थ जीवन जीने में बहुत मदद करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि हरति रोगाना मलाना इति हरिताकी, यानी हरिताकी हमारे शरीर में रोगों को और मलों को हरण करने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये मल से जुड़ी रोग जैसे बवासीर, कब्ज, पेट के रोग, आंतों के रोग, पेट में सूजन, फिस्टुला आदि सभी तरह के रोग को जड़ से नाश करती है। हरिताकी में आयुर्वेदा के 6 रसों में से 5 रस ही पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसको बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला चूर्ण में भी डाला जाता है। इस वीडियो में मैं पतंजलि हरिताकी चूर्ण का कंप्लीट रिव्यू करूंगा और इसके फायदे, इस्तेमाल और लेने की विधि के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पतंजलि हरिताकी चूर्ण कुछ इस तरह के पैक में आता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के प्लास्टिक के बोतल में आता है पतंजलि हरिताकी चूर्ण। ये 100 ग्राम का पैक है और इसका मार्केट प्राइस 33 रुपीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसका एक्सपायरी 2 साल का होता है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके डोजेस और इंडिकेशंस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके डोजेस है 2 to 5 ग्राम ट्वाइस डेली विथ ल्यूकोम वाटर और एस डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, और इंडिकेशन से यूजफुल इन कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पाइल्स, फिस्टुला इटीसी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस हरिताकी चूर्ण के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए हरड एक रामबाण औषधि है। इसके नियमित सेवन से पुरानी कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। हरड यानी हरिताकी हमारे लीवर के सभी तरह के दोषों को दूर करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से भूख लगने लगती है। हरिताकी चूर्ण बवासीर यानी पाइल्स रोग के लिए भी एक बहुत ही लाभकारी औषधि है। ये कब्ज को दूर करता है और पाइल्स के चलते हो रहे दर्द और सूजन में राहत देता है। इसको अगर भुना हुआ जीरा के साथ लिया जाए तो ये और भी असरदार होता है। अगर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है या पेट फूला फूला सा रहता है तो हरिताकी चूर्ण का सेवन करने से पेट का भारीपन दूर होता है और अपचन की समस्या भी दूर होती है। उल्टी की शिकायत होने पर हरिताकी चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से उल्टी होना बंद हो जाती है। हरिताकी विटामिन और मिनरल का भंडार है। हरिताकी में विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, टैनिक एसिड, गैलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टारिक एसिड और बेहनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में विटामिन और मिनरल की कमियों को दूर करता है। हरड में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और इन गंभीर बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक्नी और अल्सर के लिए भी हरिताकी फायदेमंद होता है। हरिताकी एंटीबैक्टीरियल होने के कारण एक्नी या पिंपल्स में हरिताकी का लेप लगाने से एक्नी ठीक हो जाता है। हरिताकी चूर्ण वेट लॉस में भी बहुत फायदेमंद होता है। यह ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे शरीर से दूषित तत्व को बाहर निकाल फेंकता है और शरीर में जमे फैट्स को, पेट के चर्बी को नाश करता है। स्किन एलर्जीज में भी हरिताकी चूर्ण बहुत लाभकारी होता है। एलर्जीज होने पर हरिताकी चूर्ण को गर्म पानी के साथ मिक्स करके लेप लगाने से एलर्जीज ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ये अमृत तुल्य हरिताकी आँखों के लिए और हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं हरिताकी चूर्ण के लेने की विधि के बारे में। हरिताकी चूर्ण को ऋतु अनुसार पानी के साथ, शहद के साथ या दूध के साथ सेवन किया जाता है। 2 से 5 ग्राम हरिताकी चूर्ण को दिन में 1 या 2 बार सेवन करना चाहिए या अपने रोग अनुसार किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।